राज, आज बात करूंगा मैं अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए। ये जो वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इस कंपनी में इंडिया के बहुत सारे वेपन्स बनाए जाते हैं, फाइटर प्लेन और भी बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो सब चीज़ें इसमें बनाया जाता है। और ये वैकेंसी जो आया है ये कानपुर में है, इसका जो पता है वो कानपुर का है। और इसमें जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें जो ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड इसमें है टूल डाई मेकर, फीटर का है, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्रिंडर, मिलर, जनरल मैकेनिक कम मशीन ऑपरेटर, ये पोस्ट के लिए इसमें आया हुआ है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इस ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं। फॉर्म भेजने का जो डेट है वो फॉर्म निकलने से 21 से 28 दिन दे रहा है, मतलब जो इधर नियर वाले हैं उनके लिए 21 दिन है और 28 दिन उनके लिए जो मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से, उनके लिए दिया है टाइम 28 दिन। तो आप इसमें जल्दी से अप्लाई करके भेज सकते हैं। इसमें एज की बात करें तो एज इसमें दिखा रहा है 18 से 27 साल का एज होना चाहिए। कोई कोई दोस्त ने पूछा है कि सर 24 के बाद अप्रेंटिसशिप होती है कि नहीं, देखिए इसमें हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो 24 से ज़्यादा एज वाले हैं। 28 से 27 साल दे रहा है इसमें, और ये 2 साल के लिए होगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 2 साल, 2 साल के लिए अप्रेंटिसशिप होगा। और इसमें जो सिलेक्शन है उसमें स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो सीनियर क्वालिटी इंश्योरेंस स्टेबलेंट आरामपुर पोस्ट कानपुर 208009, और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया को कहीं भेजा जा सकता है। और इसमें अप्लाई कैसे करना है तो इसमें लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई इन द फॉर्मेट गिवन एज ए, और इसमें है हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। जो फॉर्म है नीचे मैं दिखाऊंगा अभी, इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके फॉर्म को भेज सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा और वहां से आप फॉर्म को भरकर भेज दीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े तो फेसबुक ग्रुप में जुड़िए, वहाँ बहुत सारे बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं, 4000 के आसपास हैं, और वहाँ से आप भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें डेट दिखा रहा है 21 दिन के अंदर में आपको भेजना होगा, जो ये पता दिख रहा है अभी जो मैं बताया। और इसके बाद इसमें फॉर्म की बात करें तो फॉर्म दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, और जो पोस्ट का नाम है ना इसका है एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड, उसके लिए है। और पता यहाँ पर दिख रहा है द एस क्यू ए ओ सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट आर्म्स अरमापुर पोस्ट कानपुर 208009 UP। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसके लिए कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ के लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो देना होगा आपको, और फिजिकली हैंडीकैप या कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं और जो रिजर्वेशन चाहिए वो आपका अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है अच्छे से, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। और ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। फॉर्म में सिंपली फॉर्म भरना है, नाम भरना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भरना है, पापा का नाम भरना है, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है उसके बारे में भरना है, और आप मेल है फीमेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन लेकर साइन करके भेज देना है जो पता दिया हुआ उस पर। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है एडमिट कार्ड, ये भी आपको खुद से ही भर लेना है और चले जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के लिए जगह भी दिया हुआ है, सिग्नेचर करना है आपको और इसे एग्ज़ाम देने जाना है, सारा चीज़ भर के भेज देना है। और आपका अगर सिलेक्शन होगा तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ था सैलरी जो पोस्ट था जस्ट उसके नीचे दिया हुआ था। देखिए यहाँ दिख रहा है 18,000 से लेके 56,900 लेवल 1 रहेगा,
इतना बड़ा सैलरी मिलेगा, बहुत ज़्यादा सैलरी है, और वर्क भी होगा अच्छा खासा, तो सैलरी भी अच्छी मिली जाती है। चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच।